भारत की आत्मा गांव में बसती है, पर जब भी बात गांव के विकास की होती है, न जाने क्यों यहां के हालात देख आत्ममंथन करने पर मजबूर हो जाते हैं। किसान बदहाल है, गांव का युवा बेरोजगार है, आज भी बुनियादी ढांचे के नाम पर सब कुछ प्राथमिक ही है। अत्याधुनिक तो छोड़िए, बेसिक सुविधाएं भी गांव में मौजूद नहीं हैं। पर जब से देश की जनता ने ऊर्जा से भरी एक नई सरकार को चुना है, तब से गांव में भी आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल कार परिस्थिति के अनुसार वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते ना भाई, करना चाहिए ना, देश बनाना है तो गांव से शुरू करें। सही मायने में गांव गरीब किसान को केवल मदद ही ना पहुंचे, बल्कि वे आत्मनिर्भर कैसे बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। गांव में बुनियादी ढांचे का जाल बिछाने में दिन रात जुटी हुई है, परंतु विपक्ष है कि उनकी राहों में रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून ना बने, उसके लिए देश की जनता में तरह तरह के भ्रम फैला रहा है, जबकि तथ्य कुछ और ही हैं। जितने लोग किसान हितैषी बनकर के इतने बड़ी भाषणबाजी कर रहे हैं, एक जवाब नहीं दे रहे। आपको मालूम है अलग अलग प्रकार के हिंदुस्तान में 13 कानून ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा जमीन संपादित की जाती है, जैसे रेलवे, नेशनल हाईवे, खदान के काम। आपको मालूम है पिछली सरकार के कानून में इन 13 चीजों को बाहर रखा गया है। बाहर रखने का मतलब ये है कि इन 13 प्रकार के कामों के लिए जो कि सबसे ज्यादा जमीन ली जाती है, उसमें किसानों को वही मुआवजा मिलेगा जो पहले वाले कानून से मिलता था। मुझे बताइए, ये कमी ठीक नहीं, गलती ठीक नहीं, हमने इसको ठीक किया। अब एक हवा ऐसी फैलाई गई कि मोदी ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसानों को अब मुआवजा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं ऐसा पाप सोच भी नहीं सकता हूँ। 2013 के पिछली सरकार के समय बने कानून में जो मुआवजा तय हुआ है, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, जो 13 योजनाओं में नहीं था उसको भी हमने जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, शहरीकरण के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी, ताकि उसको आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले। ये भी हमने जारी रखा है। परिवार के युवक को नौकरी मिले, खेत मजदूर के संतान को भी नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी हमने जारी रखा है। इतना ही नहीं, हमने तो एक नई चीज जोड़ी है। नई चीज ये जोड़ी है, जिला के जो अधिकारी हैं उसको इसने घोषित करना पड़ेगा कि उसको नौकरी किसको मिलेगी, किसमें नौकरी मिलेगी, कहां पर काम मिलेगा, ये सरकार को लिखित रूप से घोषित करना पड़ेगा। ये नई चीज हमने जोड़ करके सरकार की जिम्मेवारी को फिक्स किया है। क्या बिना जमीन के गांव में बच्चों के लिए स्कूल, बीमार के इलाज के लिए अस्पताल, किसानों के फसल को बाजार तक पहुँचाने के लिए सड़क बने, ये संभव है क्या? जबकि सरकार जमीन के लिए किसानों को 4 गुना तक बाजार कीमत दे रही है। इस कानून में जिसकी जमीन अधिग्रहित होगी उसके लिए पुनर्वास का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने भी स्वयं विपक्ष के लोगों से आग्रह किया है, किसानों के हितों का राजनीतिकरण ना करें। कृपा करके इसको
राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसमें जो कमियां रही हैं, समय है उसको थोड़ा ठीक कर ले। ये सिर्फ कमियों को ठीक करने का प्रयास है, और वो भी सिर्फ किसानों के लिए। मैं सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करता हूं, इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। और बनने के बाद भी मैं सारी क्रेडिट उस समय जिन्होंने कानून बनाया था उन्हीं को दूंगा, सार्वजनिक रूप से। तभी तो नई सरकार नई सोच नए विजन के साथ आगे बढ़ रही है और देश में एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर रही है कि भ्रम फैलाने वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब देश रुकने वाला नहीं। देश का कोना कोना विकास के पथ पर चल पड़ा है। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। इस मूल मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाना है।